मैंने क्वेश्चन दिया था सेपरेट अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड का सब फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो जैसे आयरन है क्रिस्टलाइन हो गया, कॉमन सॉल्ट क्रिस्टलाइन हो गया, आइस क्रिस्टलाइन हो गया, प्लास्टिक और बायोलॉजिकल सॉलिड अमोर्फस में आते हैं. यार कुर्सी का थोड़े पे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, बाल का थोड़े फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है. गारंटी है क्या कि बाल को तोड़ेंगे तो बीच से टूटेगा? देखो कहीं से टूट जाएगा, कुछ गारंटी नहीं. बेंच, वुड वुड बेंच जो है ये सबका सब क्या होता है, ऐसा सॉलिड है बताइए, गारंटी नहीं है. तो चाहेगा कि आप बेंच को मार के बीच से तोड़ देंगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कहां से टूटेगा कुछ भरोसा नहीं. समझ ना, पक्का वहां से टूटेगा. चलिए, अरे मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा ना, वो तब मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग अलाउ करूंगा जब मैं नहीं कर पाऊंगा. अभी मैं कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है. चलो शांति से सुनो, चैनल पे पड़ा रहेगा, आराम से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, ठीक है. अब देखो यार, तो हम लोग बात करते हैं, समझ गए तुम लोग सॉलिड क्या होता है, टाइप ऑफ सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस क्या होता है, ये मैं समझा दिया तुम. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में. लिख लो लिक्विड. सर लैटिस वाला बता दीजिए. लैटिस, लैटिस का हम बात किए थे, लैटिस का क्या बात किए थे बताओ, लैटिस क्या होता है ये जानना चाह रहे हो, बोलो. यस सर, लैटिस क्या होता है? तो लैटिस जो होता है, लैटिस का मतलब होता है, लैटिस का मतलब होता है 3D नेटवर्क. समझ गए, जैसे कोई भी सॉलिड के पूरे सॉलिड जो है उसका 3D नेटवर्क. कोई भी सॉलिड जो है वो छोटे छोटे किससे मिलके बना है, पार्ट से, है ना. क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बता था ना, सब छोटा छोटा ऐसे ऐसे एटम से मिलके बना. तो जो पूरा 3D नेटवर्क होता है उसी को हम लैटिस बोलते हैं. जैसे तुम्हारा कमरा किससे मिलकर बना है, ब्रिक्स. तो ब्रिक्स उसका एक यूनिट सेल हो गया, यूनिट, और पूरा कमरा क्या हो गया, लैटिस. तो व्हाट इज लैटिस, तो लैटिस इज ए 3D नेटवर्क ऑफ सॉलिड. एंटायर 3D नेटवर्क ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज लैटिस. और कौन से लैटिस, लैटिस सिर्फ कौन से सॉलिड के लिए डिफाइन होगा बताइए भाई, क्रिस्टलाइन. क्योंकि अरेंजमेंट लिख लीजिए, लिख लीजिए लैटिस इज ए 3D नेटवर्क ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. ओनली सॉलिड और क्या सर, लिक्विड नहीं, लिक्विड में थोड़ा नेटवर्क, लिक्विड में कहाँ होगा, लिक्विड तो पढ़ाने जा रहा हूँ, लिक्विड में नेटवर्क हो गया. जब लिक्विड में कहाँ कुछ होता है फिक्स नेटवर्क, उसका फिक्स शेप नहीं तो नेटवर्क कहाँ मिलेगा. फिजिक्स चली है क्या, देखो क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं. चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड के बारे में, गला भी खराब है. चलो तो अब लिक्विड की बात करते हैं. लिक्विड का बताइए वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं. यस सर, भैया तुम लोग अपने आप को म्यूट करो यार, तुम लोग को जैसे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. फिक्स्ड वॉल्यूम सेम सर, नहीं फिक्स्ड, नो डेफिनेट शेप, नॉट फिक्स्ड. मत बोलो तो नॉट फिक्स्ड. अगर वॉल्यूम फिक्स है इसका मतलब इंटर मोलेक्यूलर स्पेस क्या है, हाई की लो, बोलो लो होगा, लो लो होगा. बताइए लिक्विड कॉम्प्रेसिबल की नॉन कॉम्प्रेसिबल होगा, नॉन कॉम्प्रेसिबल. देखो लिक्विड में भी मोलिक्यूल पास पास ही होते हैं, ये मत समझना दूर दूर होते हैं, पास पास सर. सिर्फ गैस कॉम्प्रेसिबल होंगे बताओ सर, लेकिन ये भी तो सकता है हल्का सा कॉम्प्रेसिबल. कुछ नहीं हल्का फल्का, जबरदस्ती हल्का फल्का मत करो, मुझे बताओ हल्का हल्का मत करो, जो कह रहे एकदम सही है. सुनो इधर बात, ये बोतल आधा लीटर का, एक लीटर पानी भर देगा इसमें दबा दबा के, कौन भरेगा बताओ, तुम लोगों से कौन भरेगा बताओ, एनीवन? नो सर, नो सर. खूब खूब ताकत लगा के, रुद्र है कि नहीं है, भाग गया है,
रुद्र नहीं आ रहा आजकल, नहीं आ रहा है, भाग गया लग रहा है। चलो देखो इधर गजब बात करते हो, मुझे एक लीटर में मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड नॉन कॉम्प्रेसिबल है। हाँ ऐसा कर सकते हो कि हाँ सॉलिड से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है बट फिर भी यह स्पेस बहुत कम है, वेरी लो। ये नहीं इतना नहीं कि तुम दबा दिए, अगर दबाओगे तो एक लीटर के बोतल में 2 लीटर पानी भर के चल लोगे, उधर दबा दिए 2 लीटर भर के चले। हाँ हाँ वाह, ऐसा नहीं होता, समझिए नॉट पॉसिबल, क्लियर। नॉन कॉम्प्रेसिबल है, स्पेस लो है। बताओ लिक्विड का शेप फिक्स की नॉट फिक्स, बताओ नॉट फिक्स्ड। फोर्स, फोर्स बताओ हाई की लो, फोर्स बताओ लो, लो लो लो। सेंटर मोलेक्यूलर फोर्स लिखो, जल्दी से लिखो, समझ गया कि नहीं समझे, लेसर देन का, क्लियर हुआ, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। लिखो, देखते हैं कितना क्लियर हुआ है क्वेश्चन, मिटा इसको, मिटा दे। यस सर, मिटा दे। यस सर, मिटा दे। अब चलो जरा क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितना क्लियर हुआ है तुम लोगों को, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉलिड एक्स चेंजेज, चेंजेज, चेंजेज टू लिक्विड वाई। सॉलिड एक्स किसमें चेंज हो गया, लिक्विड वाई, देन देन पहला इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। आईएमएफ का मतलब क्या है, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, इंटर मोलिक्यूलर डिक्रीज वेरी हाई, या इज इन एक्स इज हाई हाई एंड इन वाई इज लो। दूसरा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन एक्स स्लाइटली इंक्रीज एंड वाई आर नियरली सेम, नियरली सेम, यस नियरली सेम। तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स इन एक्स एंड वाई आई एम डी का मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। चौथा नन, बताइए कौन कौन सही। आई एम डी का मतलब इंटर मोले, पहला सही है सर, पहला सही है, पहला सही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाईर, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ कौन कौन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला सर, पहला सही है सर, बस पहला। इंटर मोलिकुलर, सुनो मेरी बात, इंटर मोलिकुलर फोर्स इन एक्स इज हाई वाई, ये सही बात है। सॉलिड का शेप फिक्स है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। अगर शेप फिक्स है मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स हाई है, शेप फिक्स नहीं है तो इंटर मोलिकुलर फोर्स लो है, पहला सही है। दूसरा मैं कह रहा हूं इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इन एक्स एंड वाई आर नियरली सेम, ये भी सही है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड लिक्विड दोनों का वॉल्यूम फिक्स। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो देखो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत अंतर नहीं होता है, डिस्टेंस नियरली क्या होता है, सेम, समझे कि नहीं समझे, इसीलिए सॉलिड लिक्विड दोनों नॉन कॉम्प्रेसिबल है, समझ गया। ये नहीं कि हाँ देखो लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा की थोड़ा ज्यादा, बोलो बहुत ज्यादा की थोड़ा ज्यादा, पहला दूसरा थोड़ा ज्यादा, पहला दूसरा सही और बाकी तीसरा चौथा गलत, मिटा है, मिटा दे, बोलो। यस सर, यस सर, समझ गए, यस, अरे समझे कि नहीं, बोलो, यस सर, समझ गए, यस सर। ये है कहानी लिक्विड का, ये किसका कहानी था,
लिक्विड का, लिक्विड का यही होता है लिक्विड। ठीक है पक्का। अब हम लोग आगे चलेंगे गैस के पास। किसके पास चलेंगे? गैस। गैस जो बेसिक है वही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलो भैया गैस की खासियत क्या होती है बताइए? हाईली कंप्रेसिव, फिक्स शेप नहीं होता है। हाईली कंप्रेसिव बताइए। टर्न ऑफ इट्स शेप एंड वॉल्यूम। नॉट नो फिक्स वॉल्यूम। नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो मैं गलत लिख दिया हूं, मैं लिखना चाहता हूं वॉल्यूम नॉट फिक्स। वॉल्यूम नॉट फिक्स। अच्छा वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है तो होता किसके बराबर है बताओ? वॉल्यूम होता किसके बराबर? सर जिस कंटेनर में होता है। सर उसको जिस कंटेनर देंगे उसी के बराबर हो जाता है। सेम एज दैट ऑफ कंटेनर। कंटेनर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता तो होता कितना है तो कंटेनर के बराबर उसी के बराबर। सिलेंडर में रख दिए तो सिलेंडर के बराबर, सूटकेस में रख दिए तो सूटकेस के बराबर, लंग में रख दिए तो लंग के बराबर, पेट में भर लिए तो पेट के बराबर। समझे कि नहीं? यही है। यस सर। ठीक है। यस सर। जिसमें तुमने गैस को रखा वही उसका वॉल्यूम, वही कंटेनर के बराबर। पक्का? सेफ फिक्स की नॉट फिक्स बताओ। नॉट फिक्स सर। नॉट फिक्स। नॉट फिक्स सर। समझ गए? समझे कि नहीं? बता पहले मुझे। यस सर। यस सर। समझ गए सर। नॉट फिक्स। तो बताओ अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है मतलब इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे बताओ? हाईएस्ट। हाई। हाईएस्ट। हाई। हाई। वेरी दूर दूर। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस हाई मतलब पास पास की दूर दूर। दूर दूर। कर दूर दूर। देखो यही इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ। आई एम इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस दूर दूर। तो बताओ अगर दूर दूर है तो कॉम्प्रेसिबल की नॉन कॉम्प्रेसिबल? हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल तो बोलते चलो हाईली कॉम्प्रेसिबल। यार कोई आइडियल गैस की बात कर, आइडियल गैस रियल गैस से कोई मतलब? रियल गैस को कर सकते हम लोग कंप्रेस। अरे आइडियल को भी करते हैं, मतलब आइडियल गैस दोनों को करते हैं। कंप्रेसिबल तो कोई भी गैस होता है। आइडियल गैस जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से कंप्रेस होता है, रियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से कंप्रेस नहीं। सर आइडियल गैस का कंप्रेसिबल दोनों। हाँ वही बात है ना, लेकिन कंप्रेसिबल दोनों होता है। ठीक है चलो। आइडियल रियल गैस में अंतर क्या होता है? आइडियल का रियल का आइडियल और रियल में पूरा वीडियो बनाए। अरे बहुत अंतर है यार, दोनों पूरा अंतर है भाई। देख रियल गैस आइडियल गैस को एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते, समझे? पूरा एक स्टेटमेंट पूरा पैराग्राफ, समझ गए? उसके लिए इसलिए मैं तुम लोग कहूँ ना कि मेरा चैनल सुनो, जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, उसपे ढेर सारा वीडियो पड़ा है, उसमें का लेक्चर पड़ा। अरे हम लिंक कल भेजे तो पिछली क्लास में गजब, तुम लोग पिछली क्लास में लिंक भेजे थे ना। अब सुनो मेरी बात सुनो सबसे अच्छे से। अभी फिर मैं तुम लोग को क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा जो वीडियो है मैं भेजूंगा अपने चैनल से, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ चैप्टर मैं कहूंगा तुमको उससे पढ़ने के लिए, जैसे स्टेट ऑफ मैटर है तो तुमको जो जो डाउट है मैं बोल दूंगा पढ़ लेना, उससे बहुत सारा वीडियो। अभी तुम लोग 12th वाले का पढ़ा रहा था, मैं 12th का सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, तो तुम लोग जो भी हायर क्लास का वीडियो वहां मिल जाएगा पढ़ लेना। आपने मैं कुछ कुछ कहूंगा अभी पढ़ के उस पर डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नहीं किए, बहुत सारे लोग कर चुके हैं सर, कर चुके हैं। हाँ तो जो लोग नहीं किए उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अभी यार पिछला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। गजब बात करो, भेजे हैं क्लास में तो भेजे हैं ग्रुप में, भेजे नहीं सर? किए सर। हाँ सर भेजे पिछला लेक्चर मैंने क्लास, उसको दोबारा तुम लोग लिंक भेज देना, ठीक है? मैं रोज भेजूंगा और आज आज का भी भेजूंगा, उसको दोबारा तुम लोग भेज देना, ठीक है? चलो अबे हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, समझ गए? लिंक अरे तुम लोग कहानी भेज सकते हो ग्रुप में, भेजो उसी को फॉरवर्ड करना दोबारा ग्रुप में कॉपी करके। क्या गजब बात करो, क्यों नहीं फॉरवर्ड कर सकते? कर देना सिर्फ एडमिन कर देगा, केवल एडमिन वाला ग्रुप है। अरे बड़ा चंकर। अच्छा चलो मैं ही भेज दूंगा, ठीक है?
मैं दोनों लेक्चर का लिंक भेज भेज दूंगा। गजब आईएमडी हाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, कॉम्प्रेसिबल होता है, समझ गए? अब देखो, समझ गए? अब देखो सेफ की बात करो, सेफ फिक्स नहीं है, सेफ फिक्स नहीं है तो बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? बताओ, लो, बताओ जल्दी से, वेरी लो, लो, लो कहो ना, वेरी लो, वेरी लो। क्यों? सॉलिड में हाई, लिक्विड में लो, तो गैस में वेरी लो, समझे? एकदम लो दिखता हो क्या? यस सर, यस सर, नहीं भैया काहे घबरा रहे हो? अभी प्लाज्मा ही जिंदाबाद, वो साइटिंग कंडेंसेट ही जिंदाबाद, अभी मत घबराओ। अभी इसमें मैं वेरी लो कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ सबसे कम होता, सबसे कम प्लाज्मा में होता है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लाज्मा में होता है। एनर्जी कम, अभी पढ़ाऊंगा मैं, घबराओ मत तुम लोग, अभी मत कहो हाईएस्ट लोएस्ट, हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी जितना बता रहा उतने कहो बस, पांचों पढ़ोगे तभी कंपेयर कर पाओगे, ठीक है? चलो ये गैस के बारे में सिंपल सिंपल हाल चाल था। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, कोई बोलेगा नहीं, हंसेगा नहीं सब, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक गैस इज टेकन, कोई बोलेगा नहीं, ए गैस इज टेकन इन 10 लीटर कंटेनर, कोई हंसेगा नहीं और कोई बोलेगा नहीं, सब लोग अपना अपना टिक करके अभी मैसेज करेगा, चैट में चैट के थ्रू मैसेज भेजेगा, कोई बोलेगा नहीं, ए गैस इज टेकन इन 10 लीटर कंटेनर एंड हाफ गैस रिमूव, एक 10 लीटर का कंटेनर लिए, उसमें गैस भर दिए, फिर उसमें से आधा गैस को निकाल लिए, आधा गैस को उसमें से खींच के निकाल लिए, देन वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस, कोई बोलेगा नहीं, देन वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस, जो बचा हुआ गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा? पहला 5 लीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा 15 लीटर, चौथा नन। चलो मैसेज करो जल्दी जल्दी चैट में, देख रहे हैं। शिवांग हरिओम, ये लोग मैसेज कर रहे हैं, कायूस भी कर रहा है, कंटेनर जितना हो जाएगा इसीलिए वो गेम रहेगा। चलिए सबका ठीक है, सबका ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 10 लीटर आंसर कितना आएगा बोलो बच्चे? 10 लीटर, 10 होगा, 5 नहीं होगा, 10 लीटर, समझ गए? अभी मैंने कहा है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है कंटेनर के बराबर, तो तुम आधा गैस निकालेगा ना उसमें से, जैसे सोच रहे हो इसमें गैस भर दिए, अब आधा निकाल लिया तो जो बचा फिर फैल जाएगा पूरे में, 10 आंसर होगा, 5 मत कर देना, लिक्विड नहीं है, लिक्विड रहेगा तो 5 रहेगा, लेकिन गैस है तो 10 हो जाएगा, समझे कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना, कहेगा गैस एक बर्तन में भर दिया, उसमें से आप थोड़ा सा गैस निकाल लिया, बताइए बची हुए गैस का वॉल्यूम, तो कहना जितना कंटेनर का निकालो, बाकी बचा गैस सर वो एक्सपेंड करके उतना वॉल्यूम फिर से फिल कर देगा, लेकिन वॉल्यूम 10 का 10 रहेगा, ये समझे कि नहीं समझे बताओ पहले? यस सर, यस सर, यस सर। देखो सिंपल सिंपल सी बात थी, हमने लिक्विड पढ़ लिया, थोड़ा सा हमने सॉलिड पढ़ लिया, थोड़ा सा हमने गैस भी पढ़ लिया, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मा भी पढ़ा दें आप लोगों को, क्या पढ़ा दें? प्लाज्मा, प्लाज्मा लिख लीजिए, प्लाज्मा, स्पेलिंग गलत है, प्लाज्मा गलत है, क्या होगा बोलो? अरे चलो ठीक है, बहुत बोल रहे हो, चलो अंग्रेजी पढ़े थोड़े आओ, अंग्रेजी हम पढ़ाते भी नहीं, चलो देखो इधर है ना, इधर देखो मूर्खों से ही प्लाज्मा, देखो ऐसा है कि प्लाज्मा में
प्लाज्मा में देखो होता क्या है, तो देखो ये पहली बात समझना, डज नॉट एग्जिस्ट, लिखो सबसे पहले डज नॉट नेचुरली एग्जिस्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लिख जल्दी, अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचुरली बना सकते हो तुम लेकिन नेचुरली नहीं होता, लिखो प्रेजेंट एक्ट, कहां पे होता है ये लिख लो, सरफेस यूनिवर्सल सरफेस ऑफ स्टार्स, सन एंड स्टार्स, उसके अलावा अर्थ में कहां होता है तो नियोन बल्ब में, कहां होता है सर, नियोन बल्ब कहां पे सर होता है प्रेजेंट सर, सन एंड नियोन बल्ब, सन एंड स्टार, स्टार 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 सर, नियोन बल्ब क्या है, नियोन बल्ब एक स्पेशल टाइप का बल्ब होता है, महंगा मिलता है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर चला जाता है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है पहले समझ लोगे, नियोन बल्ब जो नॉर्मल बल्ब नहीं होता है, नियोन बल्ब में वेरी हाई टेम्परेचर चला जाता है, समझ रहो, वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वहां प्लाज्मा मिलता है, समझो प्लाज्मा होता क्या है, समझो प्लाज्मा होता क्या है, पहले लिखो प्लाज्मा क्या होता है, लिख लीजिए, ये होता है, लिख लीजिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, लिख लीजिए, एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड, क्या लिखे हो बताओ, क्या लिखे हो सर, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस प्लाज्मा, तो लिख लीजिए प्लाज्मा, कोई पूछेगा व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाई स्पीड मूविंग एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड मूविंग एंड इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज हाई स्पीड, सुपर एनर्जेटिक, हाँ लिख लीजिए, इट इज मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर, लिख लीजिए, इट इज मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर एंड लीस्ट स्टेबल, लिखो सब पॉइंट बना बना के लिखते चलो, ये हाँ क्या कहे हो, हाँ ये होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन और आयन होता है, अब लिखो इट इज मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे जैसे पांच स्टेट है ना मैटर का, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है, देखिए मोस्ट एनर्जेटिक और लीस्ट स्टेबल, एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम, हाँ लिखो एनर्जेटिक के बाद क्या बोल, मोस्ट एनर्जेटिक, जेटिक नहीं, मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एनर्जी, अरे मतलब गजब बात कर रहे, मोस्ट एनर्जेटिक लग रहा है कि दूसरे क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे, मोस्ट एनर्जेटिक एंड लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल एनर्जी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम, अब देखो बच्चों अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा मॉलिक्यूल के बीच में, कम की ज्यादा होगा, सर लेस होगा, लिख लीजिए सबसे कम, लिख लीजिए लिस्ट फोर्स, लिखो लिस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स गैस में नहीं होता है, किसमें होता है, मतलब इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे लो होता है, हाँ लो नहीं लिस्ट सबसे कम, सर इसका जो इंटर फोर्स लिस्ट, बोलो 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 बोलो, सर ये बल्ब में भी पाया जाता है ना, हैं क्या सर, ये बल्ब में भी पाया जाता है ना, बल्ब में फिक्स नहीं होगा, अरे बल्ब में हर बल्ब, अरे बड़े नॉर्मल बल्ब में नहीं होता, नियोन बल्ब में होता है, एलईडी में होगा, गजब बात कर रहे हो, यस सर, नियोन बल्ब में हाई, मैं बता रहा हूँ ना कैसे बनता है, रुको, लाइटनिंग में भी प्लाज्मा होता है, मैं बता रहा हूँ भैया रुक, पहले तो लिख तुम लोग, लिखो इधर से, लिखो प्लाज्मा में लिखो, कैथोड रे ट्यूब है, सब बता रहा हूं मैं कैसे बनता, लिखेगा तब ना तुम लोग, शोध लिख जल्दी, लिख जल्दी लिख, लिखो लिखो लिस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है प्लाज्मा में, लिखो जल्दी से लिस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब देखो होता है सर कैसे बनता है, मैं बता रहा हूं, तो देखो बच्चा अब देखो कैसे बनता है, एटम में कौन होता है, इधर होता है न्यूक्लियस, जानते हो ना, और इधर होता है इलेक्ट्रॉन, होता है कि नहीं होता है, बोलो यस सर, यस सर, अब प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा कि नहीं रखेगा, बोलो बोलो, अब देखो अब बात को समझो, अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ेगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा सर, जैसे देखो
बात को समझो, देखो ये कपड़ा पूरा कपड़ा तो नहीं टूट पाएगा, मान लो कपड़ा का ये धागा, ये देखो कपड़े का धागा दिख रहा है तुम लोगों को, बोलो मान लो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, देखो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, अरे मेरे देखो धागा दिखेगा ऐसे, अब देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे टूट गया, देख टूट गया, तो कॉमन सेंस ये घर पे कर सकते हो, रुद्र है ये नहीं था, रुद्र रहता तो ये प्रैक्टिकल करता, अपना बाल पकड़ता अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता, देखो बाल निकल जाता, लेकिन रुद्र है ही नहीं, रुद्र रहता तब प्रैक्टिकल करता है ये नहीं, चलो खैर देखो, खैर देखो तो बात समझो, तो जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो बताओ नहीं तो जाता है तो, तर मोशन इलेक्ट्रॉन अंदर की टूट के बाहर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बोलो बोलो, यस सर, यस सर, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक्सप्लेन कर दीजिए सर, अब बताओ मुझे तो प्लस सुनो मेरी बात, अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो एटम क्या बन गया बताओ, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आयन, अभी क्या बन जाएगा, आयन, समझे कि नहीं समझे, तो देखो फिर से सुनो, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो सब लोग, फिर से सुनो, कटने के दो मिनट के बाद फिर जुड़ जाना, देखो टेम्परेचर जब हाई होता है, जैसे प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो हिलेगा डूलेगा ना भाई, पानी को गर्म करो देखो उबलने लगता है इधर उधर, खूब गर्म करो तो वेपर बन जाता है, कन्वेक्शन करंट, बॉन्ड टूटा उड़ गया, अरे बन गया उड़ गया, उसका वेपर बना मतलब बॉन्ड टूट गया उड़ गया, यही होता है, इतना टेम्परेचर हाई, देखो यहाँ हाई नहीं वेरी हाई मतलब 1000 डिग्री के आसपास, जब 1000 डिग्री जाओगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि एटम का एटम छोड़ो, एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉनों टूटना शुरू हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम टूट टूट के अलग हो गया, गैस बन गया, और ज्यादा टेम्परेचर ले जाओगे तो जो गैस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड भी टूट जाता है, ये भी टूट के खत्म, कुछ नहीं बचेगा, टूट के निकल गया इलेक्ट्रॉन बाहर, तो देखो एटम था इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल गया, और एटम अब किसमें चेंज हो गया, आयन, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, आयन, समझे कि नहीं समझे, अब टेम्परेचर हाई की लो बताओ, टेम्परेचर हाई की लो, वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, तो आयन बन के बैठेगा कि दौड़ता रहेगा बताओ, दौड़ता रहेगा, वेरी हाई स्पीड से इधर उधर मूव करता रहेगा, समझ रहे हो, आया कि नहीं बात समझ में, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन बोलो आयन से इलेक्ट्रॉन जो, बोलो 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 सर, बोलो क्या इसके जस्ट प्रॉपर्टी वो साइंस्टाइन में आएगा ना, ना ना वो साइंस्टाइन बहुत अलग है, तुम लोग मिलाओ मत, दोनों को वो साइंस्टाइन में आयन वायन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आयन कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयन कैसे हो जाएगा, गैस का बनता 100 होता है, अरे मत तुम लोग, मैं प्लाज्मा से रिलेटेड सवाल, प्लाज्मा से पूछो वो से मत जाओ, वो अलग चीज है, तुम समझ नहीं पाओगे ऐसे, देखो इलेक्ट्रॉन आयन कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया, आयन कैसे हो जाएगा, अरे एटम आयन, अरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करता बताए भाई, सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सोडियम प्लस बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको आयन ना बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयन, निकल गया तो आगे जुड़ गया तो एनायन, बोलो यस, बोलो बोलो, मुझे बताओ, अब बताओ जो बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो बादल टकराता है, तो बादल टकराता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, तबे ना बिजली बनती होगी, बोलो यस सर, यस सर, मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो जब बिजली चमकती है, जब इलेक्ट्रॉन आया तो जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो भी तो आयन बन गया होगा, बोलो यस सर, तो जब बिजली चमकती है या जब लाइटनिंग होती है तो बताओ बादल में कौन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की आयन की, दोनों दोनों सर, दोनों होना दोनों होगा, देख जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन बनेगा तो आयन तो बनना ही है, दाया हाथ काटेंगे तो बाया नहीं बचेगा, चोर एटमे से बनना ही है तो दोनों होता है, तो जो लाइटनिंग होती है दैट इज ऑल्सो ए प्लाज्मा, समझे कि नहीं समझे,
कंडीशन इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारी आवाज कट रही है, फिर से बोलो। देखो सुनो यार, प्लाज्मा में होता कौन है, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे बढ़िया तरीका है वेरी हाई टेम्परेचर, मेरी बात सुनो सब लोग, सब म्यूट करो अपने आप को। सबसे बढ़िया तरीका है वेरी हाई टेम्परेचर पे अगर तुम जाओगे तो प्लाज्मा बनना ही बनना है। उसके अलावा दूसरा तरीका भी है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन आयन बना दे रहे हो, जैसे कैथोड रे ट्यूब का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर, सुने। यस सर, टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब होती है, टीवी में सुना होगा। यस सर, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी सर, पुराने टीवी, इसको लोग प्लाज्मा टीवी बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब वाला जो पुराने का टीवी है उसको कौन सा टीवी बोलते हैं जानते हो? प्लाज्मा। अब देखो कैथोड रे ट्यूब जो है वो हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ना, उतना हाई नहीं होता, लो मतलब लो टेम्परेचर मतलब उतना लो नहीं, लेकिन सरफेस के सन के बराबर वो हाई पे रहना चाहिए सर। लेकिन अगर प्लाज्मा का जो फॉर्मेशन है वो हाई पर होता है। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, मेरी बात सुनो। प्लाज्मा में होता है इलेक्ट्रॉन और आयन, एक तरीका है, मेरी बात सुनो, एक तरीका है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जाओ तो अपने आप तुम्हें प्लाज्मा बन जाओगे। बाकी बातें बाते छोड़ो, तुमको भेज देंगे 6000 में ना, फेंक देंगे 6000 सन के सतह लाए, तुमको पटक दिए, अपने आप तुम प्लाज्मा बन जाओ। हाई टेम्परेचर तो तरीका है, ये मैं इतने देर से बता रहा हूं, लेकिन लो टेम्परेचर मतलब लो नहीं समझना है भाई, 1000 नहीं। अब टीवी में 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा तो सब पूरा गल जाएगा रे बंदे, पूरा कितना प्लास्टिक ना होता टीवी, पूरा गल जाएगा टीवी। बार बार तो लो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लो, हाँ, लेकिन 70-80 डिग्री टेम्परेचर पे भी प्लाज्मा बन जाता है। सर वो बहुत लो प्रेशर पर होता है इसीलिए। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ ना, तुम फिर प्रेशर में चले गए। मैं अभी कह रहा हूँ लो टेम्परेचर पे भी हम प्लाज्मा बना सकते हैं। अब छोड़ो कैसे बनता है, फिर कहां से कहां चला जाऊंगा मैं, समझो। कैथोड रे ट्यूब में कौन जनरेट होता है बताओ? प्लाज्मा। हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, सत्तर अस्सी डिग्री मतलब मतलब सन के सरफेस के कंपेरिजन में लो टेम्परेचर पे बनता है, समझ गए? अब कैसे बनता हूँ मारो गोली, अब ये मैं समझाऊंगा तो फिर टॉपिक मेरा चेंज हो जाएगा, समझ गए? वो चला जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी आप ध्यान रखिए कि कैथोड रे ट्यूब में कौन बनता है? प्लाज्मा, समझ गए? ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाइन्थ में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कैसे बनता है।